नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज हम मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे। यदि आप मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो वास्तु से संबंधित हमने बहुत सारे चीज़ें आपको बताई हैं। चारों दिशाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आज हम मेन डोर के बारे में आपको जानकारी देंगे। जिस घर में मुख्य द्वार का दोष होता है उस घर में ग्रह कलेश हमेशा बने रहते हैं। दिन रात किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में मतभेद रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या तो बच्चे विषयांतर हो जाते, बिगड़ जाते हैं। आर्थिक तंगी से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, नाना प्रकार के उसको कष्टों से गुजरना पड़ता है। मुख्य द्वार आपके घर का पूरा व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। जैसा आपका मुख्य द्वार होगा वैसा उसमें रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए लोगों का मुख्य द्वार जो है वो प्रायः बड़ा सुसज्जित होता है, उसको हम सजा करके रखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, त्योहारों में बंधन बार लगाते हैं। तो जितना सुसज्जित आपका मुख्य द्वार होगा उतना ही उसके अंदर रहने वाले लोगों का जीवन होगा, क्योंकि वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को ग्रह मुख भी कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति के मुख से सारी बीमारियां उसके अंदर जाती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं व्यक्ति के मुख से ही जाती हैं। इसी प्रकार से यदि आपका मुख्य द्वार में वास्तु दोष है तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सब आपके घर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगी। इसलिए मुख्य द्वार हमेशा वास्तु के अनुसार होना चाहिए। अब मुख्य द्वार, कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि किसे माना जाए। एक होता है बाउंड्री वाल वाला और दूसरा होता है जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। बाउंड्री वाल के बाद जब आप अंदर आते हैं और अंदर जिस दरवाजे से आप अंदर प्रवेश करते हैं उसे हम मुख्य द्वार बोलते हैं। आप यदि किसी फ्लैट में रहते हैं तो जिस कमरे में, जिस दरवाजे से आप, मेन जो दरवाज़ा है जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं वो उसका मुख्य द्वार कहलाता है। ऐसे कई द्वार होते हैं लोगों के वहाँ पर, लेकिन मुख्य द्वार जो है वो वही होता है। तो मुख्य द्वार आपका जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए सुख समृद्धि वाला होगा। आजकल फ्लैटों में या मकानों में सीमेंट की चौखट या लोहे की चौखट लगा दी जाती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। चौकोर और लकड़ी की चौखट होना चाहिए, जैसे हम दहलीज कहते हैं। एक कहावत है ना, जैसे हम बोलते हैं भाई यदि आपने दहलीज पार कर दी तो फिर कभी आप इस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दहलीज का बड़ा महत्व होता है। जब शादी होती है तो दहलीज को पार करते समय ही वधू को प्रवेश कराया जाता है, गृह प्रवेश के समय भी दहलीज की पूजन की जाती है। और जब ठेकेदार
मेन चौखट को जब लगाता है तो उस समय भी वो पूजन करके प्रसाद वितरण आदि करता है, तो उस समय भी उसका पूजन करना चाहिए जब मेन चौखट आपकी लगती है, क्योंकि वो आपके घर की शान है। उसी के आधार पर आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। जितना सुंदर सुसज्जित आपका मुख्य द्वार होगा, उतना ही उसके अंदर घर में रहने वाले लोगों का जीवन सुसज्जित होगा, और जितना खराब होगा उतना ही घर के अंदर रहने वाले लोगों का होगा। अब उसमें दोष क्या होते हैं? स्वर दोष होता है एक, और एक दोष होता है। स्वर दोष क्या होता है? जैसे आप जब दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें चरचराहट की जो आवाज़ आती है वो नहीं आना चाहिए। यदि वो आवाज़ आती है तो उसके अंदर, घर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा आती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, धन का अपव्यय होता है, घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। मुख्य द्वार के सामने कभी भी टेलीफोन या बिजली का खम्मा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई वृक्ष जिसकी आपके घर के ऊपर छाया पड़े, या मंदिर जिसकी छाया पड़े, तो ऐसी जगह आपका मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए कि आपके वहाँ पर उसकी छाया पड़े। तो आपके घर के सामने यदि कोई बिजली का खम्मा है तो आप अपने मुख्य द्वार को, यदि स्थान है तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें घर में रहने वाले लोगों के अंदर अशांति आएगी, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नाना प्रकार की परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए कभी भी मुख्य द्वार के सामने बिजली का खम्मा, टेलीफोन का खम्मा ये नहीं होना चाहिए। या आपके घर के सामने किसी दूसरे का मकान है और उसकी बाउंड्री वॉल पर नुकीले जो लगे रहते हैं वो इस प्रकार के नुकीले नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनको देख करके जो है आपके अंदर एक प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके अंदर एक गलत विचार बनेंगे। इसलिए इस प्रकार के आपके घर के सामने भी नुकीली चीज़ों नहीं होना चाहिए। उसके दोष के लिए आपको स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर बना करके रखना चाहिए, तोरण लगाना चाहिए, और शाम के समय दाईं तरफ, यानी जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दाईं तरफ जो होता है उसमें आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का, और शाम के ही समय तुलसी के वृक्ष पर जो है, झाड़ पर आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, उससे ये आपके वास्तु दोष दूर होते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको मुख्य द्वार के बारे में जानकारी दी, आशा है आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी प्रकार हमें अपना स्नेह और प्यार देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर इसी प्रकार बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।